तो पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012। क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 पढ़ेंगे। तो इसके बारे में है क्या जानेंगे हम, है ना। ये सीजीपीएससी मेन पेपर 7 भाग 1 का पाठ है। ये आपका लगभग जो कानून बना है छत्तीसगढ़ के लिए बना है, मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही लागू होगा। तो इसके बारे में धारा उर बताऊंगा, एमेंस लेवल का पढ़ाऊंगा। मीस में एमेंस का ही टॉपिक है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। आप वीडियो की क्वालिटी आपको आएगी, मतलब जो भी आप लोग देखिएगा। तो है क्या जी, बेसिकली मैं इसको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम है क्या? छत्तीसगढ़ जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये है, ये करता है कि मतलब जो छत्तीसगढ़ में निवासी रह रहे हैं, मतलब जो गरीब परिवार के हैं या सामान्य परिवार के हैं, तो उन सभी को क्या है कि मतलब उनको सुरक्षा प्रदान करना, मतलब खाद्य खाने के लिए उनको इधर उधर भागना ना पड़े, कम कीमत पर सही मूल्य पर उनको खाद्य सामग्री उनको मिल जाए। जिनको जो मतलब गरीब है, एकदम से गरीब लेवल से गरीबी से और नीचे हैं, उनको कम से कम खाने पीने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम इसको लाया गया है। तो इसमें क्या है, कोई भी बच्चा जो है भूखा ना सोए, मतलब ये सिद्धांत लागू होता है। और इसमें जैसे कि गर्भवती माता उतर है, उनको भी मतलब उनको भोजन हो जो मतलब उनको खाद्य सामग्री सुविधा प्रदान की जाती है आंगनबाड़ी के द्वारा। और ये बच्चे को भी अगर जन्म लेता है 6 माह से, वही लगभग 6 वर्ष तक लगभग उसको पोषण उषण मिलता ही रहता है आंगनबाड़ी से। तो ये सभी चीज़ को मतलब देखते हुए, मतलब उनके भविष्य के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया है। इसको जो हमारे जो राशन दुकान में आपका चावल वावल मिलता है, वही है सब इसमें इसके अंतर्गत आता है, प्रावधान किया गया है। तो चलिए मैं इसमें कब से लागू हुआ, कब पारित हुआ, इसका मैं बताता हूँ। इसका मैं है ना, कब से कब तक ये चला है। तो ये लगभग आपका है, पहले तो इसका जो पारित कब हुआ ये, इक्कीस दिसंबर 2012 बारह को पारित हुआ। कहाँ से पारित हुआ ये, 21 दिसंबर 2012 को पारित हुआ। कहाँ पारित हुआ ये आपका? पारित हुआ आपका विधानसभा से, विधानसभा से पारित छत्तीसगढ़ के। अब इसमें संविधान में भी लिखा गया है जो हमारी समानता मानता मिलना चाहिए सभी को, समान नागरिक स्वतंत्रता न्याय भी मिलना चाहिए, तो इसी के तहत ठीक है। चलिए अब है क्या जी, इसमें बताता हूँ मैं। इसमें अब मैं इसका धारा कितना है मैं बता देता हूँ। इसमें धारा, कुल धारा इसमें 14 अध्याय है कुल। कुल धारा कितना है, 34। धारा कितना, कुल 34 धारा है इसमें शामिल है। अध्याय कितना है, 14। तो चलिए धारा वन में क्या क्या दिया है। धारा वन में दिया वही संक्षिप्त नाम, आप अक्सर देखेंगे संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम, विस्तार और क्या दिया है, प्रारंभ दिया गया है। धारा दो में ये जो संख्या कब से लागू हुआ, कब ये मतलब कितने धारे सब इसमें रहता है। कुल अध्याय कितने, 14 के, है ना। धारा कितने, 34 है, तो ये सब इसमें रहेगा। संक्षिप्त नाम इसी के अंतर्गत दिया रहता है। कब से लागू हुआ, पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा ना ये, ओनली छत्तीसगढ़ में, कहीं दूसरे जगह नहीं लागू होगा। धारा दो में परिभाषा दिया गया, जानते हो कई लोग अधिकतर परिभाषा ही दिया रहता है। परिभाषा के अंदर कौन कौन से थे, एक तो आंगनबाड़ी का परिभाषा दिया है, आप इसको पूछ सकता है मेंस में किसका किसका परिभाषा दिया है, इसलिए आप याद रखिए। आंगनबाड़ी दिया गया है, निराश्रित व्यक्ति का दिया गया है ना, खाद्यान्न का दिया गया है, खाद्यान्न का, आवासहीन व्यक्ति मतलब क्या, जिसके पास भूमि नहीं, रहने मतलब घर नहीं, आवासहीन
व्यक्ति। आंगनबाड़ी, जो आंगनबाड़ी आप जान रहे होंगे, जहाँ मतलब बालकों को क्या है, खाद्य आहार दिया जाता है, पुरुष स्त्री के जो छोटे बच्चे बाल 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 समूह का देख रेख किया जाता है, वो आंगनबाड़ी है। एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत शामिल है वो। निराश्रित व्यक्ति क्या है, जो अपने लिए खाद्य और आहार की व्यवस्था मतलब साधन सहारा नहीं है कोई, और उसका पुरुष हो स्त्री हो या बालक हो, तो उसका जो जीवन का क्या है, उसका कोई आधार नहीं है, मतलब निराश्रित व्यक्ति, अकेला व्यक्ति है, तो निराश्रित व्यक्ति कहलाएगा। खाद्यान्न में वही चावल गेहूँ मोटे अनाज भी ये सब शामिल है इसमें। खाद्यान्न को इसने परिभाषित किया है, वो सब खाद्यान्न फसल है जो हम भोजन में हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब खाद्यान्न फसल है, जो खाने के सभी चीज़ नहीं है, जो मोटे अनाज गेहूँ चावल वाल सब मिश्रण और भी आते हैं, मक्का उक्का हो गया, एक खाद्यान्न में आते हैं खाद्यान्न फसल, जो डेली हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आवासहीन व्यक्ति क्या है, के अंतर आवासहीन, वही आवासहीन जिसके पास भिखारी उखारी जो रोड फुटपाथ पे रहते हैं, वो सब आवासहीन व्यक्ति हैं। धारा 3 के तहत देखिए, अब इसमें क्या है, अधिकार देता है, क्या अधिकार देता है, जो अंत्योदय है, आप राशन कार्ड देखे होंगे, अंत्योदय परिवार, अंत्योदय परिवार, अंत्योदय प्राथमिकता और सामान्य सामान्य परिवारों को एक रियायती दर पर मतलब एक उचित दर पर क्या करता है, ये खाद्यान्न प्रोवाइड करता है, खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो क्या देता है, ये अधिकार देता है, खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। चलिए धारा 4 में देते हैं, इसमें जो है गर्भवती के लिए संबंधित है, ये गर्भवती कोई माता है, महिला है ना, गर्भवती महिला, महिला तथा शिशु जो जन्म लेते हैं, शिशु को क्या है, पोषाहार, पोष मतलब पोषण की सहायता, पोषण की सहायता इसमें सहायता दी जाती है, पोषण की सहायता क्या दी जाती है, इसको दी जाती है, ठीक है, इसमें जो निःशुल्क भोजन आपको दिया जाता है वो सब इसमें शामिल होंगे। धारा देखिए, धारा आपका 5 में, इसमें इसमें जो छोटे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों बच्चों को पोषण सहायता, पोषाहार की सहायता, सहायता मदद मदद की जाती है, वो भी कितने वर्ष में, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों, प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता हेतु, मतलब जो 14 वर्ष तक के बच्चों के, 14 वर्ष तक, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, बच्चों को मदद किया जाता है, क्या किया जाता है, निःशुल्क होगी भोजन प्रोवाइड कराया जाता है, उसके पोषाहार सुरक्षा मतलब उनका डेवलपमेंट हो सके, तो ये अधिकार कहाँ से मिलता है, धारा 5 में मिलता है। और इसमें शिशु उसे को भी मिलता है, आंगनबाड़ी के जो माध्यम से आप लोग देखे होंगे, है ना, निःशुल्क जो उनको भोजन प्रदान किया जाता है, जो 6 माह से, 6 माह का जो बेबी रहता है उसके, उससे 6 वर्ष तक निःशुल्क निःशुल्क भोजन भोजन जो दिया जाता है ना, 6 माह तो कम से कम होना चाहिए। और जैसे कि आप 6 माह से कम है, 6 माह से कम, जैसे शिशु है, बच्चे हैं, शिशु बेबी जो है 6 माह के पहले तक जो दूध दूध प्रोवाइड किया जाता है, दूध है ना, दूध दूध माँ के गर्भ में मतलब से हो तुरंत मतलब हो हुए मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ रहता है, 6 माह के पहले तक उनको क्या, स्तन पान के लिए दूध, इसको ये सर लिखे, स्तन पान, स्तनपान में बढ़ावा दिया जाता है, मतलब खाद्यान्न उद्यान्न में उसमें सब बढ़ावा मिलता है। अब इसमें कैसे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की इसमें क्या है, सरकारी जो विद्यालय विद्यालय में पढ़ते हैं, है ना, तो उनको अवकाश दिवस छोड़कर प्रतिदिन
निःशुल्क मध्याह्न जो भोजन आप लोग कराया जाता है, आप लोग जान रहे होंगे 8वीं तक जो आप लोग जान रहे हैं, 8वीं तक जो भोजन प्रोवाइड किया जाता है, भोजन दिया जाता है गौर सरकारी स्कूल में ना, प्राइवेट में मत चल देना आप लोग। सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल में जो भोजन दिया जाता है 8वीं तक भोजन दिया जाता है सरकारी स्कूल में, आप लोग जान रहे होंगे है ना, वो भी कितने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। छात्रावास हम जान रहे हैं ना, बच्चों में रहने वाले छात्रावास में धारा 6 में चलिए, जो छात्रावास के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं, छात्रावास विद्यार्थी के लिए भोजन की सुविधा। छात्रावास में देखेंगे एसटीएससी का छात्रावास बना रहता है ना, उनको सुविधा प्रदान करता है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ उनको, या तो आंगनबाड़ी के माध्यम से भी उनको मतलब पोषण, मतलब वो तो अलग है, खाद्य पदार्थ का मतलब उपलब्ध कराया जाता है। छात्रावास में जो रहते हैं विद्यार्थी, उन भोजन सुविधा उन लोगों को क्या की जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। बस इतना याद रखिए धारा 6 के अंतर्गत। धारा 7 में यह भी याद रखिए, कुपोषण दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने करने के लिए प्रबंध करते हैं, क्या करते हैं, प्रबंध किया जाता है धारा 7 के तहत। तो ये कुपोषण दूर के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से ये होता है, ये सब आंगनबाड़ी के माध्यम से, आंगनबाड़ी माध्यम से होता है, माध्यम से जो भोजन दिया जाता है बच्चों को, तो कुपोषण दूर करने के लिए ही दिया जाता है। धारा 8 में देखिए, इसमें विशेष समूह को शामिल किया है, विशेष विशेष श्रेणी को दर्जा दिया है। विशेष श्रेणी को क्या किया गया है, इसमें दर्जा दिया गया है। इसमें जैसे कि पहला इसमें देख लीजिए, निराश्रित को दिया गया है, निराश्रित वह है ना, निराश्रित व्यक्ति होंगे, आवासहीन व्यक्ति, आवासहीन व्यक्ति होंगे, प्रवासी होंगे कोई है ना, इधर उधर घूमने भटकने वाले प्रवासी व्यक्ति होंगे। तो इनको क्या करेंगे, इन लोग इनको क्या, समस्त निराश्रित व्यक्ति को क्या करेंगे, प्रतिदिन जो है निःशुल्क भोजन प्राप्ति के पात्र होंगे। तो इन लोगों को क्या, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क भोजन सभी को। वर्तमान में जो निवास कर रहे हैं ना, अभी जो प्रवासी वासी हैं, दूसरे जगह से आए हैं, तो उन लोगों को क्या है, भोजन जो है प्रोवाइड कराएंगे, समर्थ बनाने के प्रयास करेंगे। इसमें जो है प्रवासी लोग को भी समर्थ बनाया जाएगा, जो दूसरे यहाँ से यहाँ निवास करने आए हैं, यहाँ कोई कमाने खाने आए हैं है ना, कहीं रास्ता कहीं उनका घर वर नहीं है, तो उन सबको यहाँ मतलब निःशुल्क भोजन दिया जाएगा, दिया जाएगा। आपात, जैसे आपातकालीन हो गया, आपदा उपदा आता है ना, आपातकालीन, आपातकालीन लिख लीजिए इसमें, आपातकालीन तथा आपदा संबंधी, आपदा में भोजन सहायता। अब इसमें क्या है, आपदा उपदा आती है ना, जैसे कोई आपदा उपदा आती है, तो इस योजना के तहत क्या होगा, 3 माह की अवधि के अंतर्गत प्रतिदिन 2 समय का भोजन उनको निःशुल्क उपलब्ध रहेगा, 3 माह। अभी जैसे कोरोना काल आया था, कोरोना काल आया था जान के, तो उस समय देखिएगा आप लोग भोजन प्रोवाइड जगह जगह हम लोग छत्तीसगढ़ के निवासी को भी दिया जा रहा था, फ्री में भी दिया जा रहा था, और फ्री में ही दिया जा रहा था 3 माह की अवधि तक, 2 टाइम का खाना, 2 टाइम का भोजन निःशुल्क भी फ्री में, किस में, फ्री में दिया जाता था। धारा 10 में देखिए, जैसे भूख की दशा में, भूखमरी रहेगा है उसकी दशा में क्या करेंगे, भूखमरी की दशा में मार्ग मार्ग बताएंगे है ना, कोई मार्ग कैसा है, रास्ता बताएंगे, रास्ता बताने का कार्य करेंगे। कोई भूख से पीड़ित है, कोई व्यक्ति है, कोई परिवार समुदाय है ना, तो उन लोग को दिशा निर्देश जारी करेगा कि आप फिर उन लोग भूखमरी, जैसे कोई एक इलाका है वहाँ परिवार लोग भूखे हैं बहुत,
बहनों से, या फिर उन लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो निःशुल्क उनको मदद किया जाएगा। निःशुल्क क्या किया जाएगा? मदद किया जाएगा, समझे क्या बोल रहे हैं? निःशुल्क उनको क्या किया जाएगा? मदद किया जाएगा। तो धारा 10 में देखिए, ये इसको बताया गया है। भूख की दशा में, इसके जस्ट 11 में आपके दिए है, भूख की दशा में, भुखमरी की दशा में स्थानीय निकाय को, स्थानीय निकायों को क्या, स्थानीय निकाय को बोलने का मतलब क्या? स्थानीय निकायों को का कर्तव्य, कर्तव्य होगा व्यक्तियों, परिवार, समूह को राहत, उत्तरदायी होंगे उनके प्रति, भूख से संबंधित उनको मतलब रिलीफ दिलाना। और तत्काल अगर राहत मिलना चाहिए, मतलब देना है, तो धारा 12 के अंतर्गत तत्काल, तत्काल उनको राहत, किससे? भूख से, भुखमरी से राहत देंगे। तत्काल राहत अगर चाहिए अंतर्गत, तो 11 के तहत आपका तत्काल राहत, वही 2 समय का निःशुल्क। अगर पहचान कर लिए कहीं जगह का, तो 6 माह के अंतर्गत, 6 माह तक क्या होगा? भोजन प्रोवाइड किया जाएगा, 2 टाइम का भोजन, 2 टाइम का भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा। समझ गए मैं कौन क्या बोल रहा है इसमें? अन्य कोई राहत दी है इसमें? राज्य सरकार द्वारा ही सब, ये राज्य सरकार द्वारा ही होगा, राज्य सरकार द्वारा ही क्या होगा? प्रोवाइड कराया जाएगा। 13 में देखिए, इसमें क्या है? देखिए, पात्रता जो कि प्राप्ति हेतु, कोई भी पात्र, पात्र व्यक्ति है, पात्र, पात्र रखते हैं, मतलब उस काबिल हैं, तो उसको पात्र, जो पात्र व्यक्ति उच्च चीज वस्तु खाद्यान्न जो है, पात्र, पात्र व्यक्ति को कुछ चीज वस्तु प्राप्त हेतु, प्राप्ति हेतु योजना, योजना बनाना, योजना बनाने से संबंधित है ये, है ना? जैसे कि पात्र व्यक्ति प्राप्ति हेतु राज्य सरकार योजना क्रियान्वयन किया जाएगा, मतलब राज्य सरकार द्वारा जो आप, जो 6-8वीं तक आपका निःशुल्क भोजन वोजन प्रोवाइड किया जाता है, आंगनबाड़ी में जो निःशुल्क भोजन प्रोवाइड किया जाता है, जो अन्नपूर्णा दाल भात आपका आवासीय निराश्रित में दिया जाता है, तो योजना बनाने का अधिकार देता है आपका धारा 13। 14 में देखिए, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व कैसे? अब इसको बोलेंगे, कोई भी अधिनियम जैसे लागू होने के समय, है ना, अंतर्गत पात्र जो परिवार है, पात्र जो परिवार, परिवार है, उनको खाद्य जो है पदार्थों का क्या होंगे, उसको जो भी अधिक हो उसके लिए पात्र होंगे, मतलब उनको कि आवश्यक जो आदेश राज्य सरकार द्वारा क्या उत्तरदायी होंगे, राज्य सरकार किसी की वित्तीय, जो वित्तीय जैसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है खाद्यान्न से रिलेटेड, वो सभी राज्य सरकार उसके लिए उत्तरदायी होंगे, खर्चा उर्चा सब मतलब राज्य सरकार के अंतर्गत में होगा। इसमें जो है धारा 15 में दिया है, कोई परिवार है विशेष रूप से जो कमजोर है सामाजिक रूप से, समूह को राज्य सरकार की शक्ति है उसका मार्गदर्श, मतलब मार्ग दिखाना उनको, भोजन वोजन कहाँ मिलेगा, कैसे करेगा ये सब, तो विशेष, विशेष कमजोर जो समुदाय है, कमजोर समुदाय या परिवार को मार्गदर्शिका बताना, मार्गदर्शिका बताने का कार्य करते हैं। इसमें जैसे कि समस्त परिवार जो आते हैं, जिसके मुखिया जैसे, है ना, कोई महिला है जैसे उसके विधवा हो गई, एकाकी एक महिला हो गई, एक जन व्यक्ति चलाने वाला है, या किसी जो लाइ लाज पीड़ित, एकदम पीड़ित हो गई किसी, विशेष कमजोर, बोला और क्या बोल क्या रहा हूँ, विशेष कमजोर है, इसमें विधवा आएंगे, है ना, विधवा होंगे, पीड़ित व्यक्ति होंगे, पीड़ित व्यक्ति ये सब इसमें शामिल होंगे। निःशक्त जन आएंगे, 60 वर्ष से अधिक आयु, अधिक आयु की आजीविका सुनिश्चित, मुखिया विमुक्ति छोड़ा बंधुआ मजदूर आएंगे, अन्य परिवार इसमें शामिल होंगे।
धारा आप 16 में देखिए, जो प्राथमिकता परिवार वाले जो भी हैं, परिवार शामिल होंगे, पूरा खाद्यान्न सहायता जो हमको दी उनको दी जाती है, जो भूमिहीन कृषि मजदूर अभी वर्तमान में लाए गए हैं, नियम वम बना के भूमिहीन कृषि मजदूरों को समस्त परिवार इसमें शामिल होंगे, जो सीमांत कृषक है या लघु कृषक भी, समस्त परिवार जो प्राथमिकता परिवार में शामिल है, उपार्जित परिवार भी शामिल होंगे, है जो नगरीय इलाकों में पक्का मकान धारित करते हैं 1000 वर्ग फीट वाले क्षेत्रफल में, तो उनको भी शामिल करते हैं, उपार्जित परिवार उनको कहा जाता है, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो रहते हैं, और अंत्योदय परिवार के रूप में शामिल होंगे जो विशेष कमजोर है ना, जो अभी मैं बता रहा हूँ ये अंत्योदय परिवार का ही, ये अंत्योदय का है, और प्राथमिकता भी इसमें शामिल होंगे, कौन कौन से प्राथमिकता, एक अपराजित परिवार, जो आपका अपराजित परिवार मतलब क्या, वो जो मैं 1000 हेक्टेयर वर्ग फीट में, 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निवास करते हैं, समस्त परिवार इसमें शामिल होंगे, तो अंत्योदय प्राथमिकता सामान्य परिवार की सूची सार्वजनिक क्षेत्र में ये इसमें दिया है, धारा 16 में दिया है, अंत्योदय इसमें दिया है, देखिए अंत्योदय प्राथमिकता तथा सामान्य तथा क्या, अंत्योदय प्राथमिकता तथा सामान्य परिवार की सूची इसमें प्रदर्शित होगी, धारा 17 में आइए, अभी जैसे राशन कार्ड जारी करता है इसमें 17 के तहत, धारा 17 के तहत राशन कार्ड जो हम लोग को इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए, राशन कार्ड जारी करने का अधिकार, अभी इसमें 18 वर्ष होना चाहिए उसको, है ना, 18 वर्ष आयु उस या फिर उससे ना अधिक होना चाहिए, या अधिक होना चाहिए महिला हो तो, अभी महिला के नाम में ही राशन कार्ड होता है, हम लोग जानते हैं सभी इस्तेमाल कर रहे हो राशन कार्ड, तो मुखिया का जो परिवार का मुखिया है वो 18 वर्ष से अगर उसके नाम पर अगर करवाना है तो क्या होगा, क्या होगा मतलब, तो आपका 18 वर्ष से उनका ऊपर होना चाहिए, 18 या 18 से ऊपर, धारा 18 में देखिए, इसमें स्थानीय निकाय की क्या भूमिका रहेगी, स्थानीय निकायों की भूमिका, परिवारों की जो पहचान जानकार लेते हैं, है ना, सामाजिक जो सहायता उपलब्ध करना कराना, मतलब जो स्थानीय निकाय मतलब क्या है, नगरीय निकाय पंचायती, वो सब इसमें शामिल होंगे, उनका कर्तव्य होगा कि उनको सारी सुविधा इसमें दी जाएगी, इसमें नगर पालिका, पंचायती राज, पंचायत इसमें शामिल होंगे, जैसे आंतरिक शिकायत इसमें कोई शिकायत उबायत करना रहेगा धारा 19 के तहत आप कर सकते हैं, आंतरिक शिकायत का निवारण 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 प्रणाली ये शामिल है, अब इसमें है क्या, राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगी, मतलब बोलने का मतलब कि राज्य को लगेगा कि वही छोटे मोटे जो मामले हैं वो आपका मतलब कॉल सेंटर या हेल्पलाइन के माध्यम से नोडल अधिकारी द्वारा स्थापना जो है उसका मतलब निवारण किया जाए, किसी भी आंतरिक शिकायत का राज्य सरकार द्वारा, तो शिकायत निवारण के लिए प्रणाली बना सकती कौन, आपका राज्य सरकार, राज्य सरकार के लिए है, राज्य सरकार को अधिकार है कि वो कोई भी, अब किसी जगह चावल दे रहे हैं किसी घर नहीं दे रहे हैं, तो उसे समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर आप देखे होंगे, हेल्पलाइन अक्सर मतलब दिया जाता है टोल फ्री नंबर जिसको बोला जाता है, अब धारा 20 के तहत क्या होगा, इसमें जो है लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो 2011 के छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अधीन जो सेवा है, सेवाओं का अधिसूचना निकाला, जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की सेवा के धारा 20 के तहत जानकारी आपको प्रदान की जाएगी, कोई भी मतलब सूचना लेना चाहते हो
इस धारा के तहत आप लोग ले सकते हैं। धारा 21 के तहत देखिए, आप कोई सारा लक्षित कर लक्ष्य लग रख लिए कोई भी एक जगह, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली, हम लोग जो चावल वावल बांटते हैं, वितरण प्रणाली अभी सामान्य कोई मिलता है ना, तो उनके सुधार करने के लिए, सुधार करने की क्या राज्य सरकार की शक्ति की क्या है, इसमें शक्ति दिया गया राज्य सरकार की, क्या दिया है, शक्ति दिया गया धारा 21 के तहत। दो टूटी हिंड कुछ आधार उधार होंगे, है ना, पंचायत स्व सहायता समूह में जो सहकारिता में भंडारण में जैसे कुछ दिक्कत आ रही है, तो सब में उसका सुधार करने के लिए आपको राज्य सरकार को इसमें शक्ति दिया गया। धारा 22 में इसमें दिया अभिलेख प्रकटन, अभिलेख प्रकटन वेबसाइट वेबसाइट में जो दिखाया जाता है, अभिलेख तैयार किया जाता है इसमें सब। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय रहे द्वारा, है ना, सामिक सामाजिक अंक्षेपण किया जाता है। स्थानीय निकाय द्वारा क्या किया जाता है, जो सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है, अंकेक्षण मतलब क्या, निरीक्षण अंकेक्षण करने की उनको शक्ति इनको दिया जा रहा है, इसमें स्थानीय निकाय को दिया जा रहा है। 23 के तहत अंकेक्षण कर सकता है, 24 के तहत निगरानी समिति एक बना सकती है सरकार जो है ना, एक समिति गठित कर सकती है, कौन कर सकते हैं, धारा 24 के तहत सरकार कर सकता है। राज्य स्तर पर भी होता है, जिला स्तर पर भी होता है ये, है ना, विकास खंड लेवल पर स्तर पर भी होगा ये। अभी निगरानी समिति आप बनेंगे राज्य स्तर पर और जिला, जिला स्तर पर समिति बन सकती है, विकास खंड ब्लॉक स्तर जिसको बोला जाता है, और जो उचित मूल्य की दुकान आप लोग जान रहे हैं, उचित मूल्य की दुकान है, उचित मूल्य की दुकान क्या, जो आपका राशन दुकान है, दुकानों के तहत, तो ये सब इसमें शामिल होंगे। बाकी निगरानी जो है, अगर दुरुपयोग वुरुपयोग होता है तो कलेक्टर को लिखित सूचना देना, मतलब दे सकते हैं आप। उक्त निगरानी समितियों के कार्य जो होंगे, अगर सभी योजनाओं की जैसे कि अनुमान का नियमित परीक्षण उन लोग किया करते हैं, निगरानी समिति मतलब क्या है, उसके आसपास के क्षेत्र में जो उचित मूल्य की दुकान है, जिला स्तर पर राज्य स्तर पर एक समिति बनी है, जो क्या करेगी, आसपास जो चावल वावल का जो भंडारण है या वितरण है किस तरह से हो रहा है, वो सबको निगरानी करेंगे, और नहीं होगा तो दिक्कत होगा तो कलेक्टर को लिखित सूचना देंगे उन लोग, उल्लंघन पर भी कलेक्टर को लिखित सूचना करेंगे, परीक्षण भी उन लोग कर सकते हैं, उन लोग कर सकते हैं, समिति लोग कर सकते हैं धारा 24 के तहत। अब अधिनियम के अंतर्गत 25 के, अधिनियम के अंतर्गत 25 के क्या है, पात्रता प्राप्त है, पात्रता प्राप्त करने की कार्यवाही है। कार्यवाहियां इसमें शामिल किया गया, नियंत्रण आदेश 2004 में ये सब शामिल है। चलिए 26 में देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 26 में देखिए, धारा 26 में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, आदेश जो है 2004 के अंतर्गत क्या है, अगर कोई उल्लंघन, उल्लंघन के लिए इसमें क्या किया गया है, दंड उंड दिया गया है, जो 25 के तहत अधिनियम पात्रता प्राप्त करने के लिए कार्यवाही का नियमन, कोई भी अगर दिक्कत हो संशोधित करना होगा तो विधानसभा के समक्ष आए इसमें संशोधन सुधार के लिए कार्रवाई की जाएगी। अब जैसे इसका अभी उल्लंघन करेंगे, 25 का, धारा 25 का उल्लंघन करते हैं तो कर दंड का प्रावधान किया गया है 26 के तहत, दंड का प्रावधान किया गया है 26 के तहत 1955 में, धारा 27 में आइए, धारा 27 में दी है कल्याणकारी, कल्याणकारी योजनाएं, योजनाएं क्या है इसमें,
जारी रखने जारी रखने से संबंधित इसमें राज्य सरकार की शक्ति, किसकी शक्ति, राज्य सरकार की क्या है इसमें शक्ति दी गई है। ठीक है, धारा देखिए, धारा 28, अधिनियम के दिन शक्तियां, अधिनियम के अधीन शक्तियां। धारा 29 में अनुसूचियों में हाँ संशोधन की शक्ति। ठीक है, एक धारा 31 याद रखिए, 30 की 30 भी याद रख लिए, 30 में नियम बनाने की शक्ति है, एक नियम बनाने की शक्ति। धारा 31 में याद रखिए, धारा 31 में कठिनाइयों के निराकरण, निराकरण की शक्ति। समझे मैं क्या बोल रहा, इसमें निराकरण की क्या है, इसमें शक्ति दिया गया, कठिनाइयों के निराकरण की क्या है, शक्ति दिया गया। चलिए बाकी जो राशन कार्ड में आपको दे दिया मतलब दिए जो दिया होगा खाद्यान्न वाला, आप उसको पढ़ लीजिएगा। जो 1 रुपया किलो चावल दिया जाता है, तो एपीएल को आपको, बीपीएल को जो 1 रुपया किलो चावल दिया जाता है, और उसमें अंत्योदय प्राथमिकता और क्या बोलते हैं निराश्रित निराश्रित निशक्तजन को भी शामिल है, अलग अलग उनको अलग अलग किलो के हिसाब से, मतलब 35 किलो किसी को, किसी 20 किलो ऐसे भी दिया जाता है। प्रत्येक सदस्य 5 या 7 7 किलो चावल दिया जाता है महीने का, या किसी को 10 किलो। तो उसी प्रकार ही मतलब कि अभी जैसे कि ये खाद्यान्न का बताया, एपीएल का हो गया, एपीएल में भी उसी 10 रुपये किलो सामान्य परिवार को दिया जाता है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। जो आपका नमक उमक दिया जाता है फ्री निःशुल्क दिया जाता है, 1 किलो 2 किलो। तो ये था छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, ये पारित दिसंबर 2012 में हुआ, 21 दिसंबर को विधानसभा में पारित, कुल अध्याय इसमें 14, कुल धारा 34, परिभाषा देख लें, आंगनबाड़ी निराश्रित ये सब दिया गया इसमें। आप लोग गर्भवती महिलाएं शिशु को पोषण दी जाती है, जो आप छोटे बच्चों को जो 14 वर्ष तक के बच्चों की मदद की जाती है, 5 में 6 माह से 6 वर्ष के निःशुल्क स्तनपान, 8वीं छात्रावास, विद्यार्थी भोजन, क्रीड़ा, ये सब इसमें कुपोषण इसमें दूर करने के